दिवाली में आप जितना भी डेकोरेशन करो, पूजा डेकोरेशन बिना तो अधूरा ही लगता है। तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पूजा डेकोरेशन, जो कि मैंने गणपति पे डेकोरेट की थी और लास्ट मोमेंट में की थी, तो इसीलिए आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो ये वाला डेकोरेशन आप दिवाली में भी कर सकते हो लक्ष्मी गणेश पूजा के लिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम एंड वेलकम बैक माय चैनल लिप्स आर्ट एंड क्राफ्ट। आप मेरे चैनल में फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने यहाँ पे ले लिया है एक एम्ब्रॉयडरी हुप, जो ऑनलाइन भी मिल सकता है या लोकल स्टेशनरी शॉप में भी मिल सकता है, और एक नेट फैब्रिक मेरे पास था तो ये मैंने यूज़ किया है। तो उसी के साइज में यहाँ पे उसको टाई कर देंगे और नॉट को अच्छे से उसको फिक्स कर देंगे, और उसके बाद जो भी कपड़ा बचेगा उसको हम कट कर लेंगे। अच्छे से कट करने के बाद कुछ इस तरह से वो दिखेगा। अब पीछे की बैकग्राउंड में कुछ लगाओ या ना लगाओ, ये ऐसे ही मतलब सुंदर दिखेगा। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ फेरी लाइट, जो कि मैंने दो यूज़ किया है। पहले हम एक को स्टिक करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग राउंड के हिसाब से मैंने इसको फोल्ड कर लिया था। एक फोल्ड करके उसे पूरे ग्लू गन से स्टिक कर लिया है। ये बाद में भी निकल सकता है तो कोई परेशानी नहीं है। और जो जो भी मैंने सामान इसमें यूज किया है वो लगभग सभी के घर में अवेलेबल रहता है, फ्लावर वगैरह, और आसानी से आप इस डेकोरेशन को कर सकते हो। तो फेरी लाइट को कुछ इस तरह से हमने स्टिक कर लिया है, और उसके बाद हम इसमें फ्लावर ऐड करेंगे, जो कि ये मैं घर सजाने में यूज करती हूँ। इसको धो के अच्छे से साफ करके रखी थी, तो इसको पहले निकाल लेते हैं, फिर इसको अच्छे से हम उसमें भी स्टिक करेंगे। यहाँ पे फ्लावर को मैंने स्टिक नहीं किया है क्योंकि ये थोड़ा सा थिक हो गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको धागे से ही मतलब सिलाई कर दिया जाए, फिर वो अच्छे से टाई होके रह सकता है, तो इसीलिए मैंने स्टिक नहीं किया। तो इसी प्रोसेस से आगे बढ़ते हुए मैं इसको पूरा राउंड ही ऐसे सिलाई लगाऊंगी, कुछ कुछ जगह छोड़ छोड़ के।
तो इस तरह से मैंने लास्ट तक सिलाई लगा लिया है। और बैकग्राउंड तो आप देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है। और मैंने ये सेकंड वाले जो फेरी लाइट है उसको भी ग्लू गन की मदद से अटैच कर लिया, जो कि बाद में भी निकल सकता है। अब बारी आता है टेबल और बैकग्राउंड को सजाने के लिए। ये मेरे पास एक नया दुपट्टा था जो कि बिल्कुल यूज नहीं की थी मैं, तो इसीलिए उसको पीछे एक कील था तो उसमें ही मैंने उसको टाई करके नीचे की तरफ पूरा ऐसे फैला लिया है। और इसी के सामने ही हम बिठाएंगे भगवान जी को। मेरे पास ये वुडन का ट्रे और बॉक्सेस कुछ था तो मैं ये यूज कर रही हूँ। आपके पास नहीं है तो आप कार्डबोर्ड का जो बॉक्स आता है वो भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने जो कपड़ा यूज किया है ये ब्लाउज का पीसेस जो बच जाता है, जो हम ब्लाउज वगैरह नहीं बनाते हैं, तो वो था। और एक फैब्रिक मेरे पास था जो ऊपर मैंने लगाया है, तो वो खरीदी थी मैंने बहुत पहले, उसको ही मैंने यूज किया है। और ये कुछ भी मैंने स्टिक नहीं किया है, बस ऐसे ही मोड़ के नीचे की तरफ ऐसे ही रख दिया है मैंने। और लेसेस भी मेरे पास था तो उसको मैंने ऐसे राउंड करके बस टाई कर लिया है, और आगे की साइड ऐसे थोड़ा एडजस्ट कर रही हूँ। ये बाद में हम कभी भी निकाल सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है, स्टिक वगैरह नहीं किया है। तो इस तरह से हमारा आसन रेडी होता है। और बैकग्राउंड में जो लाइट और फ्लावर बनाए थे इसको हम पीछे की साइड एक चाहो तो अटैच कर सकते हो, मैंने ऐसे ही रख दिया था उसे, और ये बहुत सुंदर दिख रहा था उस टाइम भी। अभी आसन को और थोड़ा सा सजाने के लिए मेरे पास ये फ्लावर बहुत सारी थी तो मैंने नीचे की तरफ एक खाली लग रहा था तो मैंने वहाँ लगाया है। आपके पास जो भी फ्लावर अवेलेबल हो आप लगा सकते हो। पूरे प्रोसेस में मुझे ये फ्लावर वाली पार्ट बहुत ही अच्छा लगा, जब मैं कर रही थी पूरी सेटिस्फेक्शन मिल रही थी मुझे, और बहुत सुंदर भी दिख रही थी। पता नहीं वीडियो में कैसा दिख रहा होगा आपको, लेकिन ऐसे मतलब सामने से देखती हूँ तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है ये वाला फ्लावर। तो मतलब जैसे ओरिजिनल जैसे दिखता है वैसे ये इसका लुक आ रहा था, तो बहुत सुंदर दिख रहा था। आप भी ट्राई करो, आपको भी अच्छा लगेगा। और ये वाला जो डेकोरेशन है ये हर पूजा में आप यूज कर सकते हो, जैसे कि जन्माष्टमी हो, गणेश चतुर्थी हो, या दिवाली हो, कुछ भी पूजा में आप यूज कर सकते हो। तो इसका लुक कुछ ऐसा दिख रहा था। और लाइट बंद करने के बाद पीछे की जो लाइट लगाई थी मैंने फेरी लाइट, उसका व्यू भी ऐसा आ रहा था, तो बहुत सुंदर दिख रहा था। और मैंने दो साइड में अभी ये जो टी लाइट होल्डर आता है उसमें ही मैंने दो साइड में कैंडल यहाँ पे अटैच किया है। थोड़ा सा फ्लावर लेके इसको और थोड़ा डेकोरेट करेंगे, और इसके दोनों साइड में ये कैंडल को रखेंगे, और दोनों साइड में मैंने ये फ्लावर का वेस तो नहीं कह सकते, ये बोतल दो था मेरे पास तो वही मैंने सजाने के लिए दोनों साइड में रखे हैं। और इसी के साथ ये वाला डेकोरेशन मेरा कंप्लीट होता है। और थोड़ा मैंने गणपति की जो पूजा की थी यहाँ पे मैं वो शो कर रही हूँ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट एक वीडियो में, जो कि मतलब दिवाली से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लेके आऊँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।